बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, शहीद वीर नारायण सिंह की, गेंद सिंह की जय, गुंडा धुर की। आज जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में आज मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी आज के संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग जी अखिल भारतीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम, आदरणीय श्री पवन साई जी हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री, श्री रामनाथ कश्यप जी सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद, श्री अनुराग जैन जी वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय सचिव, श्री उमेश कच्छप जी वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांताध्यक्ष, श्री वैभव सुरंगे जी युवा आयाम प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर जी, श्री प्रवीण ठोके जी संसदीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम, और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुगण और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को जय जोहार। और सबसे पहले तो मैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जब 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस की बात आई और इसको 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तक मनाना है, तो 5 अक्टूबर के पहले एक बैठक हुआ था जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे कुलपतिगण भी थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और मेरा भी सौभाग्य था कि उस बैठक में हम भी शामिल थे। और पूरे 40 दिन की उसमें रूपरेखा बनी और सरकार भी कैसे इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाए इस पर भी चर्चा हुई। और आज बड़े गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि उस बैठक का बड़ा सार्थक परिणाम निकला। 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पूरे 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए।
और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे मैं भारत वॉलंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे, और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे, उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई। और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे जनजाति समाज के लोग थे, अलग अलग अपना स्टॉल पदयात्रा स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गोंड समाज के लोग, कहीं हिंदू राव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग, इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए। और जो हमारे जनजातीय व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी किए, कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था, इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पदयात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोग का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई, तो इस तरह से 13 तारीख की पदयात्रा यहाँ पर संपन्न हुआ। और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहाँ पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें 21 प्रदेश से जनजातीय समाज के कलाकार आए हुए थे, पूरे देश के 21 प्रदेश से आए थे, 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम चला। और 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन था, जिसमें हर जिले में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए। और जो स्थानीय जिले के जो कलाकार थे जनजातीय समाज के, सबको मंच मिला। तो इस तरह से मैं समझता हूँ सब मिलकर इस जनजातीय गौरव दिवस को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहूंगा। और ये जनजातीय अस्मिता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जनजातीय समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही। मैं तो कहता हूं जनजातीय संस्कृति और सनातन संस्कृति बिल्कुल एक साथ ये प्रारंभ हुए हैं। जब हमको लगता है कि सृष्टि यहाँ पर शुरू हुआ है, तभी से ये जनजातीय संस्कृति भी शुरू हुई है और ये सनातन संस्कृति भी शुरू हुई है। जिस तरह से आप देखते हैं त्रेता युग में सनातनी संस्कृति के आराध्य भगवान राम रहे, तो आदिवासी संस्कृति के भी आराध्य भगवान राम रहे। हमारे जनजाति भाई लोग शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी जनजाति समाज के लोगों के नाम में राम है ही है, सोमारू राम, मंगरू राम, बुधवारू राम, मतलब राम है ही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे जनजातीय संस्कृति के लिए।
और इसलिए हम कहते हैं कि ये जनजातीय संस्कृति ये सनातन संस्कृति का उद्गम है। शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात की हुई है, चाहे माता सबरी का जूठा बेर भगवान राम ने खाए अपने 14 साल के वनवास काल में, 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में दनकानु क्षेत्र में उनका वनवास काल बीता और उनका पूरा समय जनजातियों के बीच में भगवान राम का बीता। और जिस तरह से सनातन संस्कृति में पेड़ पौधे को भी पूजे जाते हैं, उसी तरह से जनजातीय संस्कृति में भी है। आज सरना माननीय अतुल योग जी बहुत विस्तार से हमारी जनजातीय संस्कृति और उस पर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज हर गांव में एक सरना पेड़ों का समूह होता है, वो गांव वालों के लिए पवित्र होता है और वहां का जो पुजारी होता है वो बैगा होता है, कहीं पाहन भी बोलते हैं, कहीं सिराह भी बोलते हैं। और हर साल करीब 5 के पूजा होता है वहां पर, और वहां सरना में महादेव पार्वती ग्रामीण देवता सब देवता पत्थर के रूप में स्थापित होते हैं और 5-6 बार साल में पूजे जाते हैं। आज कर्मा पूजा होता है जनजातीय समाज में। कर्मा एक पेड़ होता है जिसको मतलब हमारी माताएं बहने जंगल से पूजा करके काट के लाती हैं और जो अखरा होता है गांव का वहां पर स्थापित करके हमारा वहां बैगा स्थापित करता है या गांव का जो गणमान्य व्यक्ति होता है वो स्थापित करता है और पूजा पाठ करके कहानी कह के रात भर नाच गान करके सवेरे पवित्र विसर्जन करते हैं। तो एक कर्मा पेड़ में भी हमारा जनजातीय समाज वो ईश्वर को देखता है। उसी तरह से कभी पानी नहीं गिरता है तो पीपल पेड़ में हमारी माताएं बहने हमारे लोग उपवास करके 3 दिन तक वहां जल चढ़ाते हैं, इंद्रदेव को देखते हैं पीपल के पेड़ में। और आप तो मेरा विश्वास में अपने गांव की बात कर सकता हूं कि 3 दिन में 1 दिन जरूर पानी गिरता है। तो ये सत्यता जनजातीय समाज में है। तो लगातार पेड़ पौधे में भी हमारा जनजातीय समाज ईश्वर को देखता है। सरना का एक पेड़ सूख के गिर भी जाता है लेकिन उसका उपयोग ग्रामीण लोग दूसरी जगह नहीं करते हैं। आज देखिए नुआखाई हमारे जनजातीय समाज में होता है। आज फसल में भी प्रभु को देखते हैं हमारे जनजातीय समाज वाले और कोई भी फसल है धान है कुछ है उसको ऐसे नहीं खाते। धान का जब पहला फसल तैयार होता है तो खेत से उसको आरती वारती उतार के घर में प्रवेश कराते हैं और फिर उसका चावल बना के नया खाई करते हैं, पूजा पाठ करके अपने देवताओं को अर्पण करते हैं, उसके बाद स्वयं खाना प्रारंभ करते हैं। ये खाली धान चावल में नहीं है, ये महुआ का फल है, आम का फल है, आपका दलहन तिलहन है, उसको भी जनजातीय गौरव समाज पहले पूजा पाठ करके भगवान को अर्पण करते हैं तब स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये जनजातीय समाज में ये परंपरा है। तो कई ऐसी परंपरा है जिससे हम तो कह सकते हैं कि अन्य समाज को भी सीखना चाहिए। और देखिए बहुत बातें अतुल जोग जी ने कई घटना का जिक्र किया है कि हमारे जनजातीय समाज में कर्जा लेके मरना उसको भी ठीक नहीं समझते हैं और उसके परिजन चाहते हैं कि उसके पहले ही उसके नाम का सब कर्जा उतर जाए। आज शादी ब्याह आज दहेज के नाम से हमारे समाज की बहु बेटियां कभी आत्महत्या नहीं करती हैं, कभी जलती नहीं। आज जनजातीय समाज में लड़का पक्ष से लड़की खोजते हैं, अन्य समाज में लड़की पक्ष वाले लड़का खोजते हैं, लेकिन जनजातीय समाज में ऐसी परंपरा है कि लड़का पक्ष से लड़की खोजने जाता है। और मान लीजिए लड़की पसंद आ गई और लड़की पक्ष का उस साल या तो अकाल हो गया, फसल ठीक से नहीं हुआ या पैसे का अभाव है, वो अपनी असमर्थता जाहिर करता है, लड़की का बाप इस साल हम शादी नहीं दे पाएंगे अगले साल देंगे क्योंकि परिस्थिति इस साल ठीक नहीं है, तो लड़का पक्ष सहयोग करता है
कि आप चिंता मत करिए, आपको अनाज देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, पैसा कौड़ी देंगे, सब देंगे, लेकिन आपका लड़की हमको चाहिए। ये जनजातीय समाज की संस्कृति है और जनजातीय समाज में लड़की को गोद नहीं मानते हैं। लड़की पैदा होती है तो माँ बाप खुशी मनाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बेटा से ज्यादा खुशी जनजातीय समाज को लड़की पैदा होने पर होता है। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बेटी दूसरे घर में शादी होकर जाएगी तो हमको वहां एक और लड़का मिलेगा, एक और घर मिलेगा। तो ये सोच जनजातीय समाज का है, तो ये सब बड़ा अनुकरणीय है। और विकास, सम्मान, और जहां तक जनजातीय समाज का विकास इस देश में किसी ने बढ़ाया है तो मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बढ़ाए हैं। पहली बार जब भारत सरकार उनके नेतृत्व में बना प्रधानमंत्री हुए तो जनजातीय गौरव समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किया और एक जनजातीय समाज के हमारे भाई को उसका मंत्री बनाए। मेरा सौभाग्य था कि अटल जी के उस सरकार में हम सांसद के रूप में थे जब पहली बार भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। आज जो हमारे जनजातीय कल्याण मंत्री हिजबुल भाई उस समय भी मंत्री थे और फगन सिंह कुलस्ते राजमंत्री थे, और आज इतना बजट है ट्रैवल मंत्रालय का कि हमारा छत्तीसगढ़ का बजट से थोड़ा ही कम है। तो आज ये गौरव प्राप्त है और ये गौरव देने वाले हमारे सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज अगर जनजाति लोगों का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, तीन बार के प्रधानमंत्री सभी नरेंद्र मोदी जी बढ़ाए हैं। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति, वहां हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। इससे और ज्यादा गौरव हमारे जनजातीय समाज के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जैसा एक गांव का छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, तो इससे और बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज इस समाज के जो हमारे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं बिरसा मुंडा, आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में स्थापित हो रहा है। इसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका योगदान है। आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये भी कितना गौरव की बात है कि 25 साल का हमारा जनजाति समाज का एक लड़का कह सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दी और 25 साल में ही वो शहीद हो गए। तो इससे अब क्या हमारे जनजाति समाज के लिए गौरव हो सकता है। आज अटल जी ने अलग से मंत्रालय का गठन किया, आज नरेंद्र मोदी जी जनजाति समाज का ठीक से विकास हो इसके लिए अभी युवकों को धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू किए हैं 80,000 करोड़ का। ऐसे जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं वहां पर सरकारी योजना के अलग सड़क, बिजली, पानी, किसी भी तरह से वहां संसाधन की कमी नहीं रहे, इसके लिए 80,000 करोड़ का ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च की, 80,000 करोड़ का, और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी हजारों गांव शामिल है। उसी तरह से जो पीएम जनमन योजना, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, पंडो ये सब हैं, इनके विकास के लिए अलग से पीएम जनमन योजना 24,000 करोड़ का। आज इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो पीबीटीजी वर्ग के लोग रहते हैं वहां सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंच रहा है। आज हमारा बस्तर का जो संवेदनशील जिला है, 5 जिला जिसको हम लोग नियत निर्माण योजना के तहत कवर किए हुए हैं, आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि
ये 10-11 महीने में ही हमारी सरकार ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से आज हम लोग बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। आज नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज 34 नए कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर सराउंड में जो भी गांव है वहां पर विकास को पहुंचाना। आज 34 ऐसे सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं। आज 96 से ज्यादा गांव वहां पर नियत निर्धारण योजना के अंतर्गत हम लोग सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, वहां स्कूल, अस्पताल सब पहुंचाने में सफल हुआ। मोबाइल का टावर